तो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, कल देर रात को रियल क्रिकेट 24 का अपडेट आ चुका है। होपफुली सबके मोबाइल में आ चुका होगा। तो गाइस, ये अपडेट पूरे के पूरे 550 एमबी का है। तो ये अपडेट के बारे में फुल रिव्यू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो गाइस, मैं इस वीडियो में टारगेट रखता हूं 100 लाइक्स। मुझे पता है कि गाइस आप सब लोग ये कर लोगे। तो गाइस, अभी अपडेट के बारे में बहुत सारे बातें करने हैं, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम पहले अपडेट की बात करें तो हमें गेम की इंटरफेसेस में चेंजेस देखने मिल रही है, जहां पर हमें होम पेज में ऑनगोइंग टूर्नामेंट, क्विक मैच और टेस्ट मैच का मोड देखने मिल रही है। तो गाइस, अगर हम बात करें सेटिंग के बारे में, तो बैटिंग और फील्डिंग के कंट्रोल के बारे में, तो प्रो जॉयस्टिक और लेगेसी स्वाई हमें जैसे देखने मिल रहा था वैसे ही देखने मिल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। और फील्डिंग में भी वही का वही हाल है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है मैनुअल फील्डिंग और मैनुअल कैचिंग में। तो गाइस, उसके बाद बात करते हैं शॉट मैप में। आपको शॉट मैप वैसा ही देखने मिल रहा है, प्रीसेट 1, प्रीसेट 2 और प्रीमियम प्रीसेट आप ले सकते हैं, और वैसा की वैसा ही है, सिर्फ इंटरफेसेस में चेंजेस है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो गाइस, अगर हम बात करें क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस हमको नजर नहीं आ रहा है। और गाइस, अगर हम बात करें कमेंट्री पैक्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी नया कमेंटेटर आपको ऐड होते हुए नहीं नजर आएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें टूर्नामेंट्स के बारे में, तो इंटरनेशनल के टूर्नामेंट में आपको कोई भी चेंजेस होता हुआ नजर नहीं आएगा, सिर्फ वर्ल्ड कप 2023 ही ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहने वाला है। तो गाइस, अगर हम बात करें डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बारे में, तो आपको सेम टूर्नामेंट्स ही नजर आएंगे। तो गाइस, अभी हम बात करने वाले रियल क्रिकेट 24 का सबसे मोस्ट अवेटेड मोड, वो है क्रिएटर वाला मोड। तो गाइस, हम लोगों ने जैसा ही सोचा था वैसा ही हुआ। क्रिएटर मोड फीचर के लिए आपको 200 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा बाहियात बात यह है कि आपको 200 रुपए में लाइफ टाइम एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगा। 1 महीने के बाद अगर आपको ये फीचर फिर से अनलॉक करना है, तो आपको फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा, फिर से 200 रुपए देना पड़ेगा ये एक्सेस करने के लिए। तो गाइस, अगर हम बात करें क्विक मैचेस में, आपको कोई भी आरसीपीएल का टीम देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरनेशनल का टीम ही देखने मिलेगा। यहाँ पर फिर से हमको नोटलेस कंपनी ने निराश किया है। तो गाइस, ये कंपनी को ऐड करना चाहिए था, मतलब ये बुरा क्या है हमारे साथ। तो अगर हम बात करें स्टेडियम के बारे में, तो हमको सभी स्टेडियम पेड़ ही देखने मिलेगा, एक नया स्टेडियम ऐड हुआ है वो है धर्मशाला। तो गाइस, इसके बाद आपको सभी टीमों के अपडेटेड स्क्वाड देखने मिल जाएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें गेम प्ले की ग्राफिक्स के बारे में, तो रियल क्रिकेट 22 से आपको बेहतर ग्राफिक्स रियल क्रिकेट 24 में मिल जाएगा। और यहाँ पर गेम प्ले की प्रेजेंटेशन के लिए उन लोगों ने बहुत सारे नए पैक्स यूज किए हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे न्यू कैमरा एंगल देखने मिल जाएगा। तो गाइस, हमको पहले के मुकाबले कलर में भी बहुत सारे इफेक्ट्स नजर आएंगे, मतलब पिछले वाले गेम प्ले के कलर से ये गेम का कलर बहुत सही लग रहा है। फिर से आपको यहाँ पर एक नया कैमरा एंगल भी देखने मिल चुका है। तो गाइस, अगर हम ओवरऑल बात करें, तो आपको सभी एंगल से नया कैमरा एंगल दिखाई दे रहा है, मतलब क्योंकि हम वही गेम प्ले करके बोर हो चुके थे, तो इसीलिए रियल क्रिकेट 24 में ये अपडेट लाकर बहुत ही बढ़िया किया। मतलब देख सकते हैं पिच रिपोर्ट का भी कैमरा भी एंगल चेंज हो चुका है। तो गाइस, अगर हम बात करें टॉस के बारे में, टॉस के एनिमेशन में भी चेंज हुआ है, मतलब ये टॉस आपको पूरे के पूरे पीसी की तरह ही फील दिलाएगा। मतलब ये हम बता सकते हैं कि गेम प्ले के अकॉर्डिंग कंपनी ने कोई भी कंजूसी नहीं दिखाई है। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि गेम प्ले में बहुत ही सही काम किया है कंपनी ने, फीचर भी बहुत सही था, मतलब प्लेयर को मोटा दिखाना, पतला दिखाना, कोई भी प्लेयर एक जैसा नहीं है, और प्लेयर की स्टार्स वगैरह में भी सुधार किया गया है, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत सही है। और गाइस, सबसे बड़ी बात कैमरा एंगल, आप सभी कैमरा एंगल देख सकते हैं, सभी कैमरा एंगल चेंज हो चुका है, और ये जो कैमरा एंगल दिखा रहा है मतलब रियल मैचेस की तरह दिखा रहा है। तो गाइस, और एक बाहियात फीचर कंपनी ने ऐड किया है, वो है शॉट असिस्ट, आपको कहां पर कौन से शॉट खेलना है वो आपको शो करेगा, लेकिन ये फीचर अभी यूजलेस है, क्योंकि रियल क्रिकेट कैसे खेलना है, कहां पर शॉट खेलना है ये हम सबको आता है। तो गाइस, अगर हम बात करें गेम प्ले के बारे में, तो गेम प्ले बहुत ही मक्खन की तरह चल रहा है, मतलब पहले के मुकाबले आपको बहुत ही स्मूथ गेम प्ले देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे न्यू बैटिंग एनिमेशन, बॉलिंग एनिमेशन में भी चेंजेस किए गए हैं। तो गाइस, रियल क्रिकेट 24 की तरफ से इतना स्मूथ गेम हम खेल के बहुत ही मजा आ गया, इतना स्मूथ गेम मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और ये शॉट देखो, स्टैंड में डिपॉजिट, भाई क्या ही मक्खन जैसा गेम चल रहा है, आपको खेल के ही पता चल जाएगा एक्सपीरियंस, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगा गेम खेलकर। कंपनी को एक चीज ऐड करना चाहिए था, वो है कि नया कमेंट्री पैक ऐड करना चाहिए था और फ्री में देना चाहिए था। सभी पिक्चर्स पेड में दे रहा है, तो कोई भी परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली है, तो कंपनी को ये सब थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो गाइस, ये सिर्फ एक क्विक रिव्यू था, तो अगर कुछ छूट गया तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।